और गाजा के अंदर मोर्चे सज चुके हैं। मिडल ईस्ट के अखबार अल कुद्स के मुताबिक हमास के 50,000 लड़ाके गुरिल्ला वॉर करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब वो बेसब्री से गाजा के अंदर इजराइल के घुसने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने इतनी बड़ी फौज इकट्ठा की है कि ईरान और जॉर्डन में हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक सायरन बजा और सारे के सारे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। जो जहां था वहीं से सुरक्षित बंकरों की तरफ भागा। लेकिन इस वीडियो में एक शख्स ने सबका ध्यान आकर्षित किया। इस आदमी के हाथ में एक फुटबॉल है और भागने वालों की इस भीड़ में बड़े पैमाने पर बच्चे नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है, इजराइल के अंदर राजधानी तेल अवीव में इजराइल के बच्चे खेल रहे हैं और उनको अपनी जान बचाने के लिए सायरन सिस्टम से अलर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ हमास के दुस्साहस की वजह से गाजा के अंदर मासूम बच्चों की लाशें बिछ रही हैं। यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा के अंदर करीब 5 लाख बच्चे हैं और युद्ध की त्रासदी की सबसे ज्यादा मार गाजा के बच्चों को झेलनी पड़ रही है। कई अरबी भाषा की न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त गाजा के अंदर मरने वालों का आंकड़ा करीब 2000 तक जा पहुंचा है। इनमें से करीब 500 बच्चे हैं। एक तरफ गाजा में लोग मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ अमीर अरब मुल्कों में बैठा हुआ लग्जरी लाइफ जी रहा हमास का सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया पूरी दुनिया को उकसाने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान 7 अक्टूबर के हमले को लेकर हमास के आतंकियों का महिमा मंडन करने में जुटा हुआ है। यानी गाजा पर सब अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन गाजा को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। ईरान के अंदर बैठे हुए कई एक्सपर्ट इसराइल की आर्मी को खटमल और मच्छर जैसा बता रहे हैं। ईरान का अखबार resalatnews.com के एक लेख में इस्लामिक काउंसिल के अध्यक्ष का बयान छपा है। अखबार में लिखा है कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर जो हमला हुआ और जिसका सामना करने में इसराइल पूरी तरह से विफल रहा, उससे लगता है कि इसराइल की सेना एक हास्यास्पद सेना है। फिलिस्तीन के युवाओं ने यह साबित कर दिया कि इसराइल की ताकत दिखावे की है और सिर्फ एक झूठ है। फिलहाल अरब देशों में मची हलचल, जॉर्डन से लेकर तुर्की और इराक से लेकर सीरिया, लेबनन से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी सड़कों पर खूब जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इस दबाव का कोई असर इजराइल पर नहीं है और इजराइल ने अपनी टैंक आर्मी को गाजा में प्रवेश करवाने से पहले स्थानीय स्तर पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं। इसराइल ने उत्तर गाजा के 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को सुरक्षित मार दिया है ताकि उन्हें उत्तरी गाजा छोड़ने में कोई मुश्किल नहीं आए। तब तक के लिए इसराइल की एयरफोर्स ने महत्वपूर्ण रास्तों पर हमले रोके हैं। दूसरी तरफ हमास का ये कहना है कि इसराइल ने दक्षिणी गाजा पर जा रहे लोगों पर भी हमले किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमास के आतंकी ही लोगों पर हमले कर रहे हैं ताकि लोग डर के मारे उत्तरी गाजा को ना छोड़ें और उसे मानो ढाल का लाभ मिलता रहे। इसराइल डिफेंस फोर्सेज का बयान जिससे पता चलता है कि कैसे आतंकी अब भी मानो ढाल का खुलकर उपयोग कर रहे हैं। We didn't put those civilians there. They are not our enemy. We are not trying to kill or injure any civilians. We are fighting against Hamas. That needs to be abundantly clear. We are fighting and targeting Hamas and its military infrastructure wherever it is. That's where we targeted, and we have targeted around the Gaza Strip and in the northern part of the Gaza Strip. We have seen a significant movement of Palestinian civilians towards the south. Extremely sad and worrying to see is the fact that Hamas actively undermines and has stopped, tried to stop
Palestinian civilians from evacuating that area, both via messages and also checkpoints and stops on the ground, according to reports made by international media. That, I think, is the peak of cynicism, the fact that Hamas not only holds civilians as their human shields, not only does Hamas embed itself within the civilian population and tries to use them as a disguise, not only do they hide their infrastructure underneath the civilian infrastructure, not all of those things combined, and also when we ask the civilians to evacuate, Hamas tries to stop it. Hopefully, Palestinians will do that as fast as possible, vacate the area for their own security, and return only when we tell them that it is safe to do so. Around the Gaza Strip, as have been for many days, are Israeli reserves. लेकिन फिलहाल इस समय का उपयोग इजराइल की मिलिट्री ग्राउंड पर छापेमारी में कर रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि उन्होंने गाजा के इलाके में छापेमारी, विद्रोहियों से लड़ने और पिछले हफ्ते दक्षिणी इजराइल पर हमला कर आतंकियों द्वारा किए गए हमले में किडनैप हुए 120 से अधिक नागरिकों की तलाशने के लिए किया है। गाजा के अंदर इस वक्त की हालत यह है कि फिलिस्तीन के अरबी भाषा के अखबारों के मुताबिक गाजा में दवा की कमी 44% हो चुकी है, गाजा में बिजली की कमी 80% हो चुकी है। गाजा के अंदर 20% बिजली अभी तक जनरेटर से पैदा हो रही थी, लेकिन ईंधन की कमी की वजह से अब जनरेटर भी बंद होने लगे हैं, और इसकी वजह से गाजा के अस्पतालों में इलाज में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ बिजली की आपूर्ति में कठिनाई हो रही है। गाजा के अस्पतालों में नाकेबंदी की वजह से चिकित्सा उपकरणों की कमी 33% तक हो चुकी है। अस्पतालों के ब्लड बैंक में खून तेजी से खत्म हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गाजा में मौजूद 20 लाख से ज्यादा लोग क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि इजिप्ट की सरकार की तरफ से कूटनीतिक बयान ये आया है कि लोग गाजा पट्टी को नहीं छोड़ें, क्योंकि अगर गाजा खाली हो गया तो इजराइल जमीन पर कब्जा कर लेगा और फिर उनको वो जमीन वापस नहीं मिल पाएगी। ऐसे में अगर गाजा के लोग जहां हैं वहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमास गाजा के लोगों को भी युद्ध लड़ने के लिए मजबूर कर दे। मैं इस वक्त इजराइल के जेरोत में हूँ। दरअसल खून इजराइल में भी बह रहा है और गाजा में भी, लेकिन असल खूनी खेल तब खेला जाएगा जब इजराइल की सेना गाजा शहर में पहुंचेगी और वहां दोनों पक्षों की तरफ से शहरी युद्ध होगा, यानी गुरिल्ला वॉर होगा गाजा शहर के शहरी इमारतों में। दूसरे विश्व युद्ध में ऐसा ही रूस के अंदर लेनिनग्राद और बर्लिन में भी हुआ। ये एक अर्बन वॉरफेयर था जिसमें लेनिनग्राद और बर्लिन के अंदर इमारतों के अंदर से खूनी जंग लड़ी जा रही थी, जिसमें बेहद खतरनाक जंग हुई थी। हिटलर जैसे तानाशाह की मजबूत आर्मी बेस अर्बन वॉरफेयर यानी शहरी युद्ध को नहीं झेल सकी थी। और कुछ ऐसा ही युद्ध अब गाजा के अंदर होने जा रहा है। जिन इमारतों को इसराइल ने हवाई हमले करके खंडहर में तब्दील कर दिया है, उन्हीं इमारतों के अंदर से ही हमास के आतंकी खतरनाक गोरिल्ला युद्ध छेड़ने वाले हैं, जिसका अंजाम क्या होगा ये कहना इतना आसान भी नहीं है। फिलहाल स्थिति यह है कि इसराइल की फोर्स इंतजार करेगी कि जब तक गाजा के अंदर बिजली, पानी और खाने की कमी से हाहाकार न मच जाए, हमास के आतंकियों को भूखा ही मार देना इसराइल की पहली स्ट्रेटजी है। इसीलिए गाजा के बॉर्डर पर सेनाएं खड़ी हैं और तब तक युद्ध नहीं शुरू करेंगी जब तक मोसाद के एजेंट उनको दुश्मन की सही जानकारी न मुहैया करवा दे। और इसीलिए ये युद्ध अभी लंबा खींचेगा, क्योंकि गाजा के अंदर घुसकर वहां सुरंगों में घुसे आतंकियों के जाल में फंस जाने का डर भी इजराइल को है। यही वजह है कि इजराइल एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। इजराइल इस बात को समझ चुका है कि गाजा की लड़ाई कठिन है, इसीलिए इजराइल ने अपनी आर्मी की फुल स्ट्रेंथ बुला ली है।
इसराइल की आर्मी में दो तरह के सैनिक हैं। पहले सैनिक है इसराइल की एक्टिव आर्मी और दूसरे सैनिक है इसराइल की रिजर्व आर्मी। इसराइल के अंदर 50 साल से कम उम्र के लोग रिजर्व आर्मी के सदस्य होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में इनमें से ये रिजर्व आर्मी साल में एक बार इसराइल के रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, लेकिन अब इसराइल ने अपनी 3/4 रिजर्व फोर्स को बुला लिया है, यानी इसराइल की 3,60,000 के रिजर्व आर्मी और इसराइल की 1,50,000 की एक्टिव आर्मी को मिलाकर इसराइल कुल 5,10,000 सैनिक बुला चुका है। इन सभी सैनिकों में सबसे आगे इसराइल की एक्टिव आर्मी ही रहेगी। इसराइल की यही एक्टिव आर्मी गाजा के अंदर घुसेगी। ये एक्टिव आर्मी बिल्कुल युवा है और इसके ज्यादातर सैनिक सिर्फ 18 से 21 साल के बीच में हैं। रिजर्व आर्मी बैक सपोर्ट में इस एक्टिव आर्मी के लिए गोला बारूद वगैरह मुहैया करवाएगी। दूसरी तरफ अनुमान है कि हमास के पास करीब 20,000 लड़ाके हैं और संगठित होने पर हमास के लड़ाकों की संख्या 40,000 तक भी पहुंच सकती है। हमास के लड़ाकों की संख्या इसराइल की आर्मी की संख्या में कम है, लेकिन जब हमास के लड़ाके गोरिल्ला युद्ध शुरू करेंगे तो इसराइल के सैनिकों को ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि हमास के लड़ाके गाजा के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। लेकिन अरब देशों के मीडिया के अंदर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। अरबी भाषा के अखबार अल कुद्स ने अपने एक संपादकीय में लिखा है कि जब हमास के लड़ाकों की संख्या ही ज्यादा से ज्यादा 40,000 है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि इसराइल ने 5,00,000 से ज्यादा सैनिक इकट्ठा कर लिए हैं? अरब का अरबी भाषा का मीडिया ये दावा कर रहा है कि गाजा के अंदर नरसंहार करने के लिए इसराइल इतनी बड़ी आर्मी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन जापान में इसराइल के राजदूत ने कहा है कि इसराइल का दुश्मन हमास है, गाजा पट्टी के लोग नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिर्फ शब्दों से गाजा पट्टी के अंदर मौजूद लोगों की जान बच पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुल मिलाकर गाजा पट्टी का युद्ध इतिहास के सबसे खूनरेज युद्ध में गिना जाने वाला है, जहां उन लोगों के भागने के लिए कोई जगह नहीं है जो गाजा से भागना चाहते हैं।